Assalamu alaikum dear students, in this video we will discuss international relations CSS past paper 2020. Our first question is, what are the multi-dimensional and multifaceted impacts of climate change on multi-dimensions of security? Identify each, discuss and analyze under the theoretical framework of security and international relations. So multi-dimensional and multifaceted impacts of climate change on security, यानी कि जो सिक्योरिटी के ऊपर कसीर और जहती और बाद में जो इसके इसके ऊपर असरात होते हैं यानी कि क्लाइमेट चेंज के माहौल के ऊपर. तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसके असरात सिर्फ माहौलियात तक महदूद नहीं होते बल्कि ये साथ साथ जो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी जो है इनका इन्फ्लुएंस होता है और जो बैन अवी ताल्लुकात हैं या रियासी इस्तेकाम है उसको भी मुतासर करते हैं. यानी कि क्लाइमेट चेंज माहौलियात के माहौल के अंदर तब्दीली और सिक्योरिटी और बैन अवी ताल्लुकात के जो नजरियाती फ्रेमवर्क है उसके तहत जो है अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो इससे ये वाजह होता है कि मौलियाती तब्दीली कैसे मुख्तलिफ सिक्योरिटी मसाइल के से मुंसलिक है, किस तरह से इससे जुड़ी हुई है. सो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? मौलियाती सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जो कुदरती वसाइल और मौलियाती निज़ाम की हिफाजत और जो कम्यूनिटीज़ और रियासत की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है, ये एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है. और एक जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट है यानी कि वो सबसे पहले रिसोर्सेज के ऊपर पड़ता है यानी वसाइल की कमी होती है. मौलियाती तब्दीली जो है वो जो यानी कि सीजन्स के वेदर पैटर्न में चेंजेस आते हैं उसके वजह बनता है. और इससे फिर पानी की दस्तियाबी हो या ज़राई पैदावार हो या खुराक की सिक्योरिटी हो तो इस हवाले से जो इससे मुतासर होती है. और इसके अलावा जो खुश्क साली है और सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो भी कुदरती वसाइल को कम करती हैं जिससे कमी और इससे फिर जो है एक मुकाबले की सूरत हाल पैदा हो जाती है क्योंकि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं. सो इकोसिस्टम भी इसे जो है वो उसके अंदर भी डिस्ट्रप्शन पैदा होती है. तो बढ़ता हुआ जो दर्ज हरारत होता है वो बारिश के एक अंदाज में तब्दीलियाँ जो है वो माहौलियाती निज़ाम में चेंजेस लाती हैं जिससे क्या होता है कि जो हयात होती है या कुदरती जो भी खिदमत होती हैं उनको नुकसान होता है. देन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी थ्योरी जिस थियोरी एम्फसाइज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रिसोर्स स्कार्सिटी, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन थ्रेटन नॉट ओनली द एनवायरमेंट बट ऑल्सो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. तो मौलियाती सिक्योरिटी जो है ये नज़रिया मौलियाती इस्तेकाम को मजमूई सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी समझा जाता है. मौलियाती तब्दीली की वजह से जो पैदा होने वाले वसाइल की कमी है या मौलियाती निज़ाम की तबाही है वो इंसानी सिक्योरिटी और इस्तेकाम को भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल देती है. और जो ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी से क्या मुराद है? यानी इंसानी सिक्योरिटी का मकसद अफराद और कम्यूनिटीज़ को इक्तसादी, गजाई, सेहत और ज़ाती सिक्योरिटी से मुतलक जो खतरात होते हैं उनसे बचाना होता है. अब क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर? तो हेल्थ के हवाले से यानी कि सेहत के हवाले से खतरात पैदा हो जाते हैं. मौलियाती तब्दीली जो है वो गर्मी की लहरों साथ साथ सैलाब और जो बीमारियों का फैलाव की भी वजह बनती है. और इसके साथ साथ हवा और पानी के जो स्टैंडर्ड है, मियार है, क्वालिटी है उसको भी मुतासर करती है. और जिससे सांस की बीमारियाँ पैदा होती हैं, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के अंदर इजाफा हो जाता है यानी वाटरबोर्न डिजीज़ की वजह बनता है. देन डिसप्लेसमेंट एंड माइग्रेशन है यानी समुद्री सतह जो है वो जब बुलंद होती है तो शदीद मौसमी हालात की वजह से लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. और इससे माहौलियाती जो पनाह गजीन हैं या यानी कि अंदरूनी तौर पर जो उनकी बेदखली है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है. फिर इस तरह के उनके अपने घरों से जाना एक यानी कि वसाइल के ऊपर दबाव भी डालता है और समाज के अंदर भी एक सोशल टेंशन की वजह बनता है. तो इसमें जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ये नज़रिया इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ करता है कि अफराद को ऐसे खतरा से यानी कि महफूज किया जाए जो उनके ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को कमज़ोर करते हैं, उनकी सलामती को कमज़ोर करते हैं. मौलियाती तब्दीली की जो सेहत है उसके हवाले से भी खतरात पैदा होते हैं. और इसके अलावा जो जो डिसप्लेसमेंट है इसमें भी इजाफा हो जाता है, इंसानी सिक्योरिटी के संगीन खतरात भी पैदा हो जाते हैं. देन नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? यानी कौमी सिक्योरिटी का मतलब यह है कि एक रियासत को दाखिली तौर पर यानी इंटरनल तौर पर, एक्सटर्नल तौर पर जो खतरात होते हैं उनसे बचाना होता है जो उसकी खुद मुख्तारी को भी और उसके इस्तेकाम को भी कमज़ोर कर सकते हैं. अब क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. यानी कि अगर हम जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें तो इसमें जो मौलियाती तब्दीली है वो वसाइल तक जो रसाई है उसके तनाजात को बढ़ा सकती है, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ जो वसाइल की कमी शदीद होती है. तो इस तरह से जो पिघलते हुए यानी कि एक आर्कटिक जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी एक यानी कि मिसाल बनती है.
और इसके अलावा जो मिलिट्री और डिफेंस इंप्लीकेशंस है, यानी माहौलियाती आफात जो हैं वो कौमी वसाइल को दबाव में भी डाल सकती हैं, फौजी ऑपरेशंस में इंटरप्शन भी पैदा कर सकती हैं, जिससे दीगर बाकी जो सिक्योरिटी के खतरात हैं उनसे निमटने की जो सलाहियत होती है मुल्क की वो भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो बैन अक्वामी तलुकात हैं जिसमें रियलिज्म है या कौमी मफादात हैं इसके ऊपर तवज्जो जो है वो दी जाती है, माहौलियाती तब्दीली कौमी सिक्योरिटी को मुतासर करती है और इसके साथ साथ जो एक पावर डायनेमिक्स है यानी पावर का जो बैलेंस है उसको भी तब्दील कर देती है, वसाइल के मुकाबले को बढ़ाती है, फौजी और स्ट्रेटजिक जो मनसूबाबंदी होती है उसके ऊपर भी काफ़ी यानी कि इस प्लानिंग के ऊपर असर अंदाज होती है। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है कि इक्तसादी सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जो इक्तसादी निज़ाम है और रोज़गार है इसकी इसका इस्तेहकाम और इसके अंदर यानी कि एक लचक पैदा होती है, तो इसमें वसाइल तक रसाई भी है, इसके अंदर इक्तसादी तरक्की भी आती है और इसके अंदर स्टेबिलिटी भी आती है। अब क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर भी असर होता है, जिस तरह से इकोनॉमिक लॉसेस है यानी कि होते हैं शदीद मौसमी जब वाकयात होते हैं, मतलब जिस तरह से तूफान आते हैं या सैलाब होते हैं, तो ये बड़े इक्तसादी नुकसान की वजह बनते हैं और जो सप्लाई चेन है उसमें भी काफ़ी इंटरप्शन पैदा होती है, ज़रात और सियाहत जो सियाहत है उसके हवाले से भी संतों को भी मुतासर करते हैं। देन फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है इसमें फाइनेंशियल जो स्ट्रेन आता है मौलियाती तब्दीली से और निमटने के लिए उसके असरात को कम करने की जो यानी कि जो जो भी खर्चा होता है या लागत होती है तो हुकूमतों और कारोबारी जो इदारे हैं उनके ऊपर काफ़ी माली तौर पर बड़ा बोझ पड़ता है और इससे इक्तसादी जो इस्तेहकाम है और तरक्की है वो एक मुल्क की मुतासर होती है। देन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थियोरी आती है, यानी ये जो नज़रिया है वो इक्तसादी इस्तेहकाम को जो मजमू सिक्योरिटी के लिए है ज़रूरी करार भी देता है, यानी माहौलियाती तब्दीली से जो पैदा होने वाले इक्तसादी नुकसान हैं या माली दबाव तो इक्तसादी सिक्योरिटी को काफ़ी ये चीज़ खतरे में डाल देती है और अफराद जो हैं वो उनके रोज़गार के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है, स्टेट के ऊपर भी असर पड़ता है। देन सोशल सिक्योरिटी है और सोशल सिक्योरिटी और क्या है और इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, तो समाजी सिक्योरिटी का तलब जो है वो माशरती इस्तेहकाम से होता है, इतिहाद से होता है, जिसमें समाजी बराबरी भी होती है और इसके जो अलावा इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं उन तक रसाई भी होती है, यानी कि इसमें माशरे के अंदर रहने वाले लोगों की क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर सोशल इनइक्वलिटी पैदा हो सकती है माहौलियाती तब्दीली की वजह से, सबसे ज़्यादा यानी कि एक मुतासरा और कमज़ोर तबका के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती है, इससे पहले जो मौजूद समाजी या यानी कि माशरे के अंदर जो इनइक्वलिटी है वो मज़ीद बढ़ जाती है जो पहले से ही माशरे के अंदर मौजूद होती है, तो इस तरह से जो वसाइल और सर्विसेज हैं उन तक जो रसाई है उसके अंदर इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है, फिर इससे फिर समाजी तौर पर यानी कि सोशल अनरेस्ट भी पैदा होता है। देन कम्युनिटी डिसरप्शन है, यानी शदीद जो मौसमी हालात हो जाते हैं जब एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स होते हैं या और माहौलियाती खराबी जो होती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इससे जो कम्युनिटीज़ भी मुतासर होती हैं और इसके साथ साथ जो सोशल फ्रेगमेंटेशन है समाजी तकसीम है और वसाइल के लिए जो तनाजात हैं वो भी इसी का वसाइल के यानी कि तनाजात का भी बायस बनते हैं जो सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी के अंदर के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट पड़ता है। तो माहौलियाती तब्दीली जो है वो सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर असर करती है, जिसके अंदर मल्टी फैसेटेड इम्पेक्ट भी हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हैं, तो इसमें माहौलियाती इंसानी और कौमी इक्तसादी हो समाजी सिक्योरिटी हो इसके अंदर शामिल होती है, माहौलियाती सिक्योरिटी इंसानी सिक्योरिटी रियलिज्म इक्तसादी सिक्योरिटी इसके साथ साथ तनकीदी सिक्योरिटी के जो यानी कि नज़रियाती फ्रेमवर्क हैं उनके तहत हम ये समझ सकते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली है वो किस तरह हर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के ऊपर असरअंदाज होती है और ये असरात एक दूसरे से जुड़े हैं। इस तरह से ये जाहिर होता है कि जो माहौलियाती तब्दीली है उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। सो व्हाट आर द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर एसेंशियल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हेन डज अ रिसोर्स बिकम एन एलिमेंट ऑफ द पावर और रिसोर्स कास्ट, सो डिस्कस द रिकॉर्डिंग केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो वसाइल के इंतजाम की जो बुनियादी इसके अंदर अनासर होते हैं वो बुनियादी जो फैक्टर्स हैं रिकॉर्डिंग केस को हम देखेंगे, तो वसाइल का जो इंतजाम है वो मखसूस यानी हदाफ के हासिल करने के लिए वसाइल के मौसर मनसूबाबंदी की जाती है, वसाइल के मौसर यानी कि मनसूबाबंदी के ऊपर होता है, इस्तेमाल के ऊपर होता है, जिस तरह से वसाइल को बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा उतने ही हमें बेहतर जो है वो हदाफ को पूरा करने के लिए मौके मिलेंगे और हदाफ पूरे होंगे, तो इस तरह से जो बेहतर इंतजामी वसाइल हैं उनको बेहतर बनाना ताकतवर असासों के अंदर यानी कि इसको बदल सकता है, वसाइल के इंतजाम के बुनियादी असूलों को समझना, फिर जिस तरह से जो रिकॉर्डिंग केस है
इसके अंदर यानि के जो इसका जायजा लेना जिस बात की को जाहिर करते हैं कि वसाइल किस तरह से जिनके ताकत का जरिया बनते हैं या तनाजे का सबब भी बन सकते हैं. सो इसके अंदर जो फोर ऐसे फैक्टर्स हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसमें प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी आता है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी यानी मनसूबा बंदी और हिकमत अमली. तो इसमें मनसूबा बंदी के जो वसाइल हैं वो मसर इस्तेमाल के लिए उनको वाज़ह मकासद और हिकमत अमली को यानी कि देखना होता है, उनका तय करना होता है. हिकमत अमली में बड़ी मुदत तक के जो मनसूबे भी तैयार करने किए जाते हैं जो बड़ी सतह के ऊपर हदाब के साथ अहम आंग भी हों, और इसके साथ साथ मार्केट के हालात हैं, टेक्नोलॉजी है, मौलियाती असरात हैं, इनको भी मद्देनजर रखा जाता है. देन उसके बाद की एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो इसके अहम पहलू इसके अंदर आते हैं. सबसे पहले जो है वो गोल सेट किया जाता है, तो वसाइल के इस्तेमाल के लिए एक वाज़े और एक बेहतर यानी कि हदाफ तय किए जाते हैं. उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन है, यानी कि इसमें जो है हदाफ के हसूल के लिए वसाइल को कैसे तकसीम किया जाए इस हवाले से इसको चीज़ को देखा जाता है. इसके अलावा जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, यानी मुसर इस्तेमाल का मतलब यह है कि वसाइल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जैसे कि उनकी सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा हो और यानी वेस्ट कम से कम हो, इन एफिशिएंसी को भी मिनिमाइज किया जाए. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट शामिल हैं वो ऑप्टिमाइजेशन का है, यानी कि बेहतरीन तरीके और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि दस्तियाब वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके. और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन है, यानी वसाइल के इस्तेमाल का बाकायदगी से जायजा लें, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी चाहिए. उसके बाद जो है तीसरा जो फैक्टर है वो सस्टेनेबिलिटी का है. तो इस तरह से जो सस्टेनेबिलिटी है, पायदारी है, इसमें वसाइल को इस तरीके से यानी कि बेहतर बनाया जाए, इस तरह से इसे शामिल किया जाए कि जिससे जो मौजूदा ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएं और बग़ैर किसी इसके मुस्तकबिल की जो जनरेशन है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत को मुतासर किए, यानी जो उनकी सलाहियत मुतासर ना हो, जो आने वाली जनरेशन है जो उनकी ज़रूरियात हैं. और इसके हवाले से यानी कि सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाया जाए, वसाइल का इस्तेमाल बेहतर किया जाए, वसाइल को गैर ज़रूरी तौर पर उनका ज़िया ना किया जाए. और इसके अंदर जो की एस्पेक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसमें, तो ऐसे तरीके से यानी कि माहौलियाती तहफ़ किया जाए जो कुदरती माहौल को महफूज भी बनाए, माहौलियाती नुकसान को भी कम करे. इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ज़रूरी है, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वसाइल का इस्तेमाल जो है वो वसाइल के ज़खीरे को ख़त्म भी ना करे और तबाह भी ना करे. और जो चौथा फैक्टर है इसमें इसके अंदर गवर्नेंस एंड रेगुलेशन का है, तो जो हुकूमती यानी कि पॉलिसियाँ हैं या इदारों हैं उनके क्याम को शामिल करना ज़रूरी है ताकि वसाइल को मसर और बेहतर तरीके से मुनसफाना तरीके से मुनज़म किया जा सके. और इसके जो अंदर की यानी एस्पेक्ट्स हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर पहलू हैं वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी वसाइल के इंतजाम की निगरानी के लिए मजबूत इदारे बनाए जाएँ, और जो कानूनी लिहाज से यानी लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी बेहतर बनाया जाए. और इसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, यानी वसाइल के इंतजाम के जो मेथड्स हैं उनके अंदर शफाफियत लाई जाए, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, स्टेक होल्डर्स को जवाबदेह होना चाहिए. देन रिसोर्स एज एन एलिमेंट ऑफ द पावर आर रिसोर्स का, तो इसमें जो रिसोर्स यानी कि हैं यानी कि जब कोई वसीला या किसी रियासत या इदारे के इन्फ्लुएंस या कंट्रोल या इक्तसादी जो पावर है उसको बढ़ाता है तो वह ताकत का जरिया बन जाता है. जिस तरह से हम एग्जाम्पल दें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो जो भी वसाइल इक्तसादी तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो अबंडेंट रिसोर्सेज होंगे, यानी कि जो वाफिर मकदार में वसाइल होंगे, तो वो इक्तसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं और दौलत एक मुल्क के लिए पैदा करते हैं और किसी एक कौम की जो आलमी हैसियत है उसको भी मजबूत बना सकते हैं. तो इस तरह से हम बेहतर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम रेकोडिक का कैसे देखते हैं, तो रेकोडिक जो है वो सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान में सोने और तांबे का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है. और ये जो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1990 की दहाई में जो है वो दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद इसने बड़े मादनी वसाइल की वजह से बिन अक्वामी जो यानी कि माइनिंग होती है, कानकुनी होती है, उसमें कंपनियों की तवज्जो भी हासिल की. देन रिसोर्स इज एलिमेंट ऑफ द पावर, पोटेंशियल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें मुनासिब इंतज़ाम के साथ जो रेकोडिक मनसूबा है वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकता है और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना सकता है. इस तरह इसके अलावा इसका स्ट्रेटजिक असर भी है, इतने जो बड़े वसाइल हैं इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के इलाकाई बिन अक्वामी जो भी यानी कि मार्केट्स हैं उसमें जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजिशन है वो भी बेहतर हो सकती है. और सो रिसोर्स कास्ट इन द रेकोडिक केस, जो इसकी में बहुत सारे चैलेंजेस का भी का सामना है, यानी कानूनी और सियासी तनाजात हैं. रेकोडिक मनसूबा कानूनी तनाजात का शिकार रहा है, और जो यानी कि माइनिंग के जो हकूक हैं या मौलियाती खदशात हैं या करप्शन के इल्जाम भी इसके ऊपर रहे,
इसके अलावा जो इसके अगर हम आउटकम की बात करते हैं तो इसमें जो है इस मंसूबे का जो मस्त तरीके से इंतजाम जो है वो ना करने के नतीजे में क्या हुआ कि मुआशी मौके से भी यानी कि पाकिस्तान को महरूमी इलाका तनाजात में भी इजाफा हुआ है, समाजी और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा हुआ है। तो इसको जो है वो बेहतर बनाना जरूरी है। ये जो गैर मुल्की यानी कि सरमायाकारी है इसके साथ साथ तनाजात की वजह से पाकिस्तान को कानूनी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। जो वसाइल के नाकिस इंतजाम की सूरत में जो है वो यानी कि वसाइल को बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, नाकिस इंतजाम है। और उससे इस तरह से जो वसाइल के इंतजाम है उसके चार बुनियादी जो असूल हैं यानी मंसूबा बंदी, हिकमत अमली, फिर उसका मौसर इस्तेमाल, उसकी पायदारी और उसकी उसके ऊपर निगरानी, उसकी गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वसाइल को बेहतर बनाया जा सके, असासों को ताकतवर बनाया जा सके ना, और ये ना हो कि जो असासे हैं वो मुल्क की मईशत के ऊपर या मुल्क के ऊपर बोझ बन जाए। तो रिकॉर्ड एक केस इस बात को जाहिर कर रहा है कि कैसे नाकिस इंतजाम जो है वो वसाइल को तनाज़े और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम का जो है वो बायस बना सकते हैं। तो इसे जो है फिर वसाइल के अंदर काफ़ी यानी कि कमी पैदा हो जाती है और इसके अलावा रिसोर्सेज ज़ाय हो जाते हैं और रिसोर्सेज को बेहतर इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वसाइल की यानी कि जो भी दौलत है पाकिस्तान के पास से फ़ायदा उठाने के लिए मौसर इंतजामी तरीके ज़रूरी हैं, मजबूत हुक्मरानी ज़रूरी है ताकि इस तरह से जो रिसोर्स कार्स है उसे बचा जा सके। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन टेररिज्म, एलोब्रेट अपॉन द फॉलोइंग, फेमिनिज्म ऑफ द टेररिज्म, और भी हमारा क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द टेररिज्म एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेररिज्म एंड स्टेट टेररिज्म। तो दहशतगर्दी की तारीफ करना क्यों मुश्किल है और अहम इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो दहशतगर्दी की तारीफ करना मुश्किल है क्योंकि ये एक पेचीदा जो है वो मसला है और इसमें केस की जो मुख्तलिफ तशरीहात भी हम कर सकते हैं। यानी दहशतगर्दी में वो पुरतशद्दुद धमकी आमेज कार्रवाइयाँ शामिल होती हैं जिनका मकसद सियासी, नजरियाती या मजहबी मकासद का को हासिल करना होता है। तो लेकिन दहशतगर्दी की जो तारीफ है मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है उसके हवाले से और मुख्तलिफ जो है वो स्टैंडर्ड की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ हो सकती है। दहशतगर्दी की जो तारीफ के हवाले से जो कम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर मजीद वो कम्प्लेक्सेस बढ़ रहे हैं जब मुख्तलिफ रुझानात और जो मुख्तलिफ यानी मुजाहरे होते हैं उसके समझने को उसका मुकाबला करने के जो तरीके हैं उसके ऊपर काफ़ी ये यानी कि असरअंदाज होता है। तो इस तरह से जो है दहशतगर्दी के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले फेमिनिज्म और टेररिज्म को इसका जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें जो है दहशतगर्दी की यानी कि फेमिनिज्म से मुराद ये है कि दहशतगर्दाना जो सरगर्मियाँ हैं या तंजीम है उनमें खवातीन की बढ़ती शमूलियत जो है वो बढ़ रही है और तारीखी तौर पर दहशतगर्दी को ज़्यादातर जो है मर्दों के साथ जो है मुंसलिक किया जाता था या किया गया है, लेकिन अब खवातीन भी दहशतगर्द तंजीमों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें यानी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनमें खवातीन सिर्फ यानी कि उनको सपोर्ट नहीं करती बल्कि खुद जंगजू भी होती हैं और लीड भी करती हैं और प्रोपेगेंडा के अंदर भी होती हैं। तो इनकी शमूलियत जो है वो एक जो यानी कि सिनफी किरदार है जो ट्रेडिशनली और दहशतगर्दी से मुतलिक जो भी तस्वरात हैं उसको चैलेंज कर रही है। और इस तरह से जो इसके अलावा जो इंतहा पसंदी है यानी दहशतगर्दी की जो निस्वानियत है उसको समझना, उसकी फेमिनाइजेशन को समझना ज़रूरी है। और इस तरह से जो दहशतगर्दी के हिकमत अमली तैयार की जा मौसर हिकमत अमली तैयार की जानी चाहिए, ख्वातीन दहशतगर्दों के जो मखसूस किरदार हैं मकासद हैं उनको बेहतर तौर पर समझा जाना ज़रूरी है। और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है यानी कि ऑपरेशनल इम्पेक्ट देखें तो दहशतगर्द जो ग्रुप होते हैं ख्वातीन को वो स्ट्रेटजिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी खतरात कम समझे जाते हैं, यानी खवातीन को सिक्योरिटी के हवाले से खतरा कम समझा जाता है इसलिए दहशतगर्द ग्रुप जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है यानी खवातीन के जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इसमें जो उनका इस्तेमाल है वो मुआशी और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर काफ़ी जिनके नफसियाती उसका असर हो सकता है जो दहशतगर्द कार्रवाइयों के असरात को भी बढ़ा सकता है। देन दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द टेररिज्म। तो दहशतगर्दी को यानी कि जो जुर्म कह देना इस बात को जाहिर करता है कि दहशतगर्दाना जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ सियासी या नजरियाती यानी फैक्टर्स की वजह से के बजाय जो मुजरमाना सरगर्मी हैं उनको यानी समझा जाए और इस नुक्ते नज़र का मकसद दहशतगर्दी से जो है निपटने के लिए कानूनी और जो अदालती यानी कि पहलू हैं उसके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, लीगल एंड जुडिशल एस्पेक्ट के ऊपर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो दहशतगर्द हैं
उनको जिन दहशतगर्दी को जुर्म कह देने का मतलब यह कि दहशतगर्दाना कार्रवाई को मुजरमाना कानून में शामिल किया जाए ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर दहशतगर्दों को सजाएं दी जा सकें और इस तरह से सिक्योरिटी के इकदाम हैं जो इंसानी हकूक के तहफ़ हैं उनके दरमियान जो है वो बैलेंस कायम रखना ज़रूरी है ताकि इन सदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं उनके तहत जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं या नाइंसाफियाँ होती हैं तो उनसे जो है वो बचा जा सके। अब इसका जो है इम्पेक्ट भी पड़ता है यानी दहशतगर्दी की जो मुजरमाना हसीयत है उसको तस्लीम करने से जो यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी सलाहियत को मजबूत हो सकती है दहशतगर्दी से जो है निमटने के बाद जो कानूनी निमटने के कानूनी जो रद्द अमल है उसको बेहतर बनाया जाए। सो इसके हवाले से कुछ नुक्ते नज़र से कंट्रोवर्सीज भी पाई जाती हैं यानी इस नुक्ते नज़र की वजह से जो दहशतगर्दी की तारीफ है कानूनी इकदाम है उसकी मुमकिन हद तक राज्य से जो तजावज है या शहरी आज़ादी है इसके ऊपर भी असरात के ऊपर बहस होती है। देन तीसरा कॉन्सेप्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ द टेररिज्म। तो कमर्शलाइजेशन से क्या मुराद है कि दहशतगर्दी की तजारत जो है उस बुनियाद से मुराद वो तरीके हैं जिनके जरिए दहशतगर्द तंजीमें अपने ऑपरेशन को जो है वो फंड करने के लिए मुआशी सरगर्मियों में मुलविस होती हैं और इसमें जो गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ हैं जिस तरह से मंशियात है इसके अलावा यानी कि स्मगलिंग है और जो भत्ताखोरी है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो इसमें जो ऑपरेशंस के लिए फंड्स आते हैं वो दहशतगर्द ग्रुप अक्सर अपने ऑपरेशंस के लिए जो है वो जो उनकी भी जो माली इमदाद होती है वो फराम करने के लिए जो मुजरमाना सरगर्मियाँ करते हैं गैर कानूनी जो भी मार्केट्स हैं उसके ऊपर इनसार करते हैं जिससे दहशतगर्दी के जो खिलाफ है जंग उसके मुनज़म जरम के खिलाफ जंग के साथ उसको हम जोड़ सकते हैं और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। दहशतगर्द जो ग्रुप होते हैं उनकी तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मकामी मईशतों को आलमी मंडियों के ऊपर काफ़ी इक्तसादी लिहाज से असरात मुरतब करती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डिसरप्शन इसका इम्पैक्ट पड़ता है दहशतगर्दी की तजारती बुनियाद से जो है वो मईशत जो है वो मुतासर हो सकती है इकोनॉमी मुतासर होती हैं इलाकों में बड़ी सतह के ऊपर माली नुकसान हो सकता है। देन काउंटर टेररिज्म एड्रेसिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। सो दहशतगर्दी के जो मुआशी पहलू हैं इनसे निपटने के लिए एक वाज़े एक बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है जिनमें बैन अक्वामी तावन भी ज़रूरी है मालियाती लिहाज से रेगुलेशन भी ज़रूरी हैं ताकि दहशतगर्दी से निपटा जा सके। और हमारे क्वेश्चन में जो यानी फोर्थ पॉइंट है वो है स्टेट टेररिज्म का। तो रियासती दहशतगर्दी यानी रियासती दहशतगर्दी उस वक्त होती है जब कोई रियासत या हुकूमत अपने अवाम या दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी का इस्तेमाल करती है। तो इसमें जो है वो निज़ामी जबर भी होता है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं सियासी दबाव भी होता है इस तरह के इकदाम इसके अंदर शामिल होते हैं। देन पॉलिटिकल इसके अंदर जो रिप्रेशन है यानी रियासती दहशतगर्दी अक्सर जो इख्तलाफ राय है उसको दबा देती है इकतदार को बरकरार रखने में या वादी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है जिससे क्या होता है कि संगीन इंसानी हकूक और जो इखलाकी मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। अब इंटरनल रिलेशंस हैं यानी रियासी दहशतगर्दी बैन अक्वामी ताल्लुकात के ऊपर भी असर अंदाज हो सकती है और डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान तनाजात को सफारती कशीदगी को भी बढ़ा सकती है। अब रियासी दहशतगर्दी का जो है वो इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस होती हैं रियासी दहशतगर्दी के नतीजे में जो शदीद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं मुतासर आबादियों में बड़े सतह के ऊपर यानी कि सफरिंग पैदा हो जाती है। और रियासी दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है तो उसके लिए एक बड़ा कम्प्लेक्स बैन अक्वामी सफारतकारी या इंसानी हकूक की को यानी कि उसके रुख कैसी ज़रूरी है और ताकि रियासतों को अकाउंटेबल बनाया जा सके और मुतासरीन की मदद भी की जा सके। सो इस तरह से दहशतगर्दी की तारीफ करना बड़ा यानी कि इसकी नौत बड़ी कम्प्लेक्स है इसके मुख्तलिफ सियाक व सबाक हैं इसकी वजह से इसकी तारीफ करना मुश्किल है। तो इसमें फेमिनिज्म भी है जराइम में तब्दीली भी है तजारती बुनियाद है रियासी दहशतगर्दी है इस तरह के पहलू जो है दहशतगर्दी को समझने में उसका मुकाबला करने में काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा कर देते हैं। तो इन जो है जो कॉन्सेप्ट हैं इनका जायजा लेने से हमें दहशतगर्दी के जो बदलती हुई विनोयत है जिसके खिलाफ मसर जंग है उसमें जो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस दरपेश हैं तो हम उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट्स बिटवीन वाशिंगटन कॉन्सेंसिस एंड बीजिंग कॉन्सेंसिस इज द बीजिंग कॉन्सेंसिस अ चैलेंज टू द वाशिंगटन कॉन्सेंसिस। तो हम देखेंगे वाशिंगटन कॉन्सेंसिस वर्सेस बीजिंग कॉन्सेंसिस। तो जो वाशिंगटन कॉन्सेंसिस है या बीजिंग कॉन्सेंसिस है वो मुख्तलिफ मुआशी पॉलिसियों और इसके साथ साथ जो तरक्याती मॉडल्स हैं उसकी नुमाइंदगी करता है। तो वाशिंगटन जो कॉन्सेंसिस है वो जो मगरबी मुआशी पॉलिसी है उनके साथ जुड़ा है और इसके अंदर यानी कि जो भी यानी कि मंडियाँ हैं या इसके ऊपर यानी कि असलाहत हैं या ज़्यादा तजारत है इसके ऊपर यानी कि वाशिंगटन
कि पॉलिसियां एम्फसाइज करती हैं और बीजिंग कंसेंसस जो है वो इसके बराबर यानी के जो चीन के मुनफरद दरकियाती मॉडल को जाहिर करता है, जो रियासी क़यादत में तरक्की भी इस और इसलाहत के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो आलमी जो मुआशी लिहाज से एक मंजरनामा है और मुख्तलिफ मुआशी मॉडल्स हैं उनके दरमियान जो डायनेमिक्स हैं उनको देखने में उनको जानने में मदद मिल सकती है। और सबसे पहले हम वाशिंगटन कॉन्सेंसस देखते हैं, यानी इन मुआशी पॉलिसीज का एक मजमू का यानी हवाला देता है जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस है कि वाशिंगटन डीसी के जो इदारे हैं जिस तरह से बैन अक्वामी मालियाती फंड IMF और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है आलमी बैंक, तो इससे ये उभरे और मुआशी पॉलिसियों के लिए एक न्यू लिबरल नुकता नज़र की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो इसमें की जो प्रिंसिपल्स हैं वो है मार्केट लिबरलाइजेशन यानी आज़ाद मंडियों को फ़रोग देना, रियासती मदाखलत को कम करना, अब इसके बाद इसमें प्राइवेटाइजेशन है यानी तजारत है सरकारी इदारों को निजी मलकियत में देना, दैन ट्रेड लिबरलाइजेशन आलमी तजारत को फ़रोग देने के लिए तजारती रुकावटों को और जो कम्युनिकेशन हैं इनको कम करना, और उसके बाद इसके अलावा जो इसके अंदर यानी ट्रेड बैरियर्स हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन के अंदर इसको कम किया जाता है। इसके अलावा जो फिस्कल डिसिप्लिन है यानी इसमें जो है आलमी तजारत को फ़रोग देने के लिए जो है वो तजारती रुकावटों और महसूलत को भी कम किया जाता है। फिर मतवाजन बजट बरकरार रखा जाता है कटौती के इकदाम के जरिए जो भी अफराद इजहार है तो इसके ऊपर काबू पाया जाता है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड सिंपलीफाइंग रेगुलेशन टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए कानून को आसान बनाना, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इसके अंदर जो यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है उसमें 1990 की दहाई में इनकी पॉलिसी को अपनाने वाले जो ममालिक थे उनकी जो मुआशी तरक्की वो बेहतर और उसके अंदर बेहतरी यानी कि एक दर्जा पैदा हुआ। फिर इसके ऊपर तनकीद की जाती है क्योंकि जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो कहते हैं कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है वो अक्सर आमदनी की जो इनक्वालिटी है और समाजी है उसके अंदर तफरीक को बढ़ा देते हैं और जो इसके साथ साथ यानी कि जो मार्केट की आज़ादी है उसके ऊपर जोर देते हैं और इसके अलावा खासतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह बनते हैं। जबकि अब बीजिंग कॉन्सेंसस को हम देखते हैं तो बीजिंग कॉन्सेंसस जो है वो चीन के जो तरक्याती मॉडल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है जो रियासी क़यादत ने मुआशी तरक्की और इसलाहत के ऊपर भी यानी कि ये काफ़ी इसके ऊपर मबनी है। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस के जो न्यू लिबरल पॉलिसी है उनका एक मुतबादल के तौर पर भी पेश करता है। और इसके अलावा जो की प्रिंसिपल है इसके अंदर स्टेट लेड ग्रोथ यानी रियासी क़यादत में तरक्की, तो मुआशी तरक्की और जो सजदीक मनसूबाबंदी है उसमें रियासत की किरदार की अहमियत को रियासत की किरदार को अहमियत देना, दैन ग्लोबल रिफॉर्म मुआशी असलाहत को ऐसा ऐसा नाफिज करना ताकि इस काम को एडजस्टमेंट के मौके को बेहतर बनाया जा सके, इस तरह के एडजस्टमेंट के मौके दिए जा सकें। दैन इनोवेशन एंड अडाप्टेशन यानी कि इसके अंदर जो भी घरेलू ज़रूरियात हैं या हालात के मुताबिक पॉलिसियाँ हैं इसमें जिद्दत लाना और इसके अलावा इसके अंदर यानी कि इनको पॉलिटिकल जो अडॉप्ट करना यानी कि पॉलिसीज को, और इसके अलावा जो स्टेबिलिटी है इसके ऊपर यानी कि जो भी प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक में इनकी तेज़ रफ्तार आज़ादकारी और इसके साथ साथ जो मंडी के असलाहत हैं मार्केट के असलाहत हैं उसमें मुआशी और समाजी इस्तेहकाम को तरजीह देना ज़रूरी है। अब इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है रेपिड ग्रोथ या इस मॉडल के तहत चीन की मीशत ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की और इसको हम कोई एनालाइज भी कर सकते हैं, लाखों लोगों को गुरबत से निकाला है इस मॉडल ने। उसके बाद स्टेबिलिटी है असलाहत की जो यानी कि ऐसा ऐसा जो भी तदरीजी अंदाज है उनमें जो चीन में मुआशी और समाजी इस्तेहकाम है उसका किरदार बड़ा अहम है। और अब इसके ऊपर जो क्रिटिसाइज किया जाता है इसमें यह किया जाता है कि बीजिंग कॉन्सेंसस मॉडल को शफाफियत और सियासी आज़ादियों की कमी के ऊपर तनकीद की जाती है, यानी यह कहा जाता है कि जो बीजिंग कॉन्सेंसस का मॉडल है इसमें शफाफियत की कमी है और सियासी तौर पर आज़ाद नहीं है। दैन इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशूज और तेज़ सनती तरक्की है जब समाजी रियासी कंट्रोल उसने मौलियाती खराबी और समाजी मसाइल को भी जन्म दिया है। सो इसमें हम देखेंगे कि क्या बीजिंग कॉन्सेंसस चैलेंज है वाशिंगटन कॉन्सेंसस के लिए। तो अगर हम इसमें मुवजना करें इसका तो इसमें बीजिंग कॉन्सेंसस जो है वाशिंगटन कॉन्सेंसस को चैलेंज करता है क्योंकि ये मार्केट्स की क़यादत के बजाय रियासी क़यादत के नुकते नज़र को प्रमोट करता है। ये जाहिर करता है कि मुख्तलिफ जो भी
तरीकियाती यानी कि जो भी रास्ते हैं वो कामयाबी का जरिया बन सकते हैं. इसके अलावा इसके अंदर जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है जिसमें इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी बीजिंग कॉन्फ्रेंस ने यह साबित किया कि मुतबादल मुआशी मॉडल्स जो हैं वो काबिल कदर तरक्की और बेहतरी फराहम कर सकते हैं, जिससे जो वाशिंगटन कंसेंसस है उनकी पॉलिसी की जो भी ग्लोबली सतह के ऊपर यानी कि उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है. इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है, यानी बीजिंग कॉन्फ्रेंस के तहत चीन की कामयाबी ने दीगर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको रियासी क्यादत के नुक्ता नजर के ऊपर यानी कि गौर करने की तरगीब दी है, उसको कंसीडर करने की तरफ उनकी राह हमवार की है, जिससे फिर क्या हुआ है कि जो न्यू यानी लिबरल पॉलिसी है उनके मुकाबले में एक मुतबादल जो है वो बयानिया पैदा हुआ है. देन चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज, अब जो भी चैलेंजेस इनको सामना है, यानी कि अगर हम पॉलिसी मुबैसे की बात करें यानी बीजिंग कॉन्फ्रेंसेस के भरने से जो न्यू लिबरल पॉलिसियां हैं उनके फायदे को उनके मुस्लिम ममालिक और हालात के लिए जो मौजूद होने के ऊपर बहस शुरू हो गई है, तो मगरबी इदारे और जो यानी कि ममालिक हैं वो ऐसे ऐसे अपने नुकता नजर को अपनाने और साथ साथ बीजिंग कॉन्फ्रेंसेस के चैलेंजेस का जवाब देने के लिए बड़ी सतह के ऊपर जो है मुआशी मॉडल्स के ऊपर गौर करने लगे हैं. सो जो वाशिंगटन कंसेंसस और बीजिंग कंसेंसस है वो मुआशी पॉलिसी और तरक्की के दो यानी कि डिफरेंट नुकता नज़र को जाहिर करते हैं, और ये जो नुकता नज़र है वो दोनों एक दूसरे से मुतजाद हैं. तो वाशिंगटन जो कंसेंसस है वो मार्केट्स की आज़ादकारी हो या निजकारी हो इसके ऊपर एम्फिसाइज करता है, जबकि जो बीजिंग कंसेंसस है वो उसकी यानी कि उसके ऊपर जो है वो इस्लाहात के ऊपर यानी रियासी क़यादत में तरक्की और साथ साथ इस्लाहात के ऊपर तवज्जो देता है. तो बीजिंग कंसेंसस की कामयाबी जो है वाशिंगटन कंसेंसस को आलमी सतह के ऊपर यानी कि उसके लिए बड़ा चैलेंज पैदा कर रही है, और इन इख्तलाफात को समझना आर्मी मईशत जो मुआशी तौर पर जो हिकमत अमली है उनका जायजा लेने के लिए, मुतलिक मुआशी निज़ामों के दरमियान बढ़ते हुए तलकात का तजिया करने के लिए जो है वो बहुत अहम है. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कमेंट इन डिटेल ऑन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड ऑन डी यून लाइन इशूज. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड द डी यून लाइन इशू. पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाजात के हल का तरीकाकार है, जो मेथड है और जो डिवेंट लाइन है उसका मसला, तो इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तालुकात हैं वो काफ़ी तारीखी कशीदगी इसके साथ साथ जो जो पॉलिटिकल तनाजात हैं वो इसमें यानी कि इसके अंदर जारी हैं, और इन तनाजात के हल करने का जो तरीकाकार है वो भी कम्प्लेक्स है. तो इसमें जो भी सफारती सियासी या समाजी हिकमत अमली हैं उनके यानी कि उसको अपनाया जा रहा है. दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम तनाज़ा जो है वो ड्यू लाइन है. पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो काफ़ी दहाइयों से एक तनाज़े का बायस बनी हुई है, और इसे तरीक़ाकार को समझना ड्यूरेंट लाइन के मसले को जो है वो एनालाइज करना जनूबी एशिया के जोग्राफी सियासत बड़ी सतह के ऊपर जो भी डायनेमिक्स हैं इनको समझने के लिए ज़रूरी है. सो हम इसमें देखेंगे सो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स बायलेटरल टॉक्स पर्पस चैलेंजेस. सो इसमें जो सफारती रबते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, तो इन हुकूमतों के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात का मकसद जो है वो मखसूस तनाज़ात को हल करना है और दो तरफ़ा तल्लुकात को बेहतर बनाना है. अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो जो पोलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं यानी कि सियासी तरजीहात में फ़र्क है, तारीखी जो हवाले से यानी कि काफ़ी शिकायात हैं और उनको मौसर मुज़ाकरात में जो है वो रुकावटों का बायस बन सकते हैं. इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल यानी सफारती ज़राए, तो इसमें जो सफारत खाने हैं और कौंसल खाने यानी सफारती ज़राए के ज़रिए बाकायदा रबता जो है वो रोज़मर्रा के जो तलकात हैं उनको संभालने में और जो भी मसाइल उभर रहे हैं उनको हल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है. देन हाई लेवल विजिट्स यानी आला सतह के दौरे होने चाहिए, दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें हूँ और इस तरह से अहम मसाइल के ऊपर एक दूसरे के साथ तावन किया जाए. देन इंटरनेशनल मीडिएशन रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वामे मुत्तहिदा ने खित्ते में अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए इंसानी मसाइल को हल करने में काफ़ी किरदार अदा किया. बाकी जो दीगर तंजीमें हैं जिस तरह से OIC है, जनूबी एशिया की तावन तंजीम है SAARC, तो इस तरह से इलाकाई जो तंजीमें हैं वो भी सालसी के कोशिशों में यानी कि अपना किरदार अदा करती हैं. देन सपोर्ट फॉर मेजर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलाइज, तो अमेरिका और जो इसके इत्तेहादी हैं यानी अमेरिका समेत बड़ी ताकतें मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए अमन की कोशिशों में जो है वो मदद भी देती हैं. और इस तरह से जो ईरान और भारत जैसे पड़ोसी ममालिक हैं इनके तनाजात को हल के अमल की यानी कि जो भी डायनेमिक्स हैं उसके ऊपर भी असरात रखते हैं. देन जॉइंट इनिशिएटिव सिक्योरिटी कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स
तो इसमें जो भी सिक्योरिटी दामन है दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिश है वो दहशतगर्दी और बाकी ग्रुपों के खिलाफ जो मेजर का कोशिश है लगा इस्तेमाल के लिए जरूरी है। अब इसमें जो सरहदी यानी के सलामती उसको बेहतर बनाने के लिए सरहद पार जो भी नकलो हरकत होती है उसके इंतजाम को जो भी इकदाम की कशीदगी उसको कम करने में मदद मिलती है। यानी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन तो तिजारत और जो मुआशी तौर पर वाबित हैं उनको फ़रोग देना तालुकात को बेहतर बना सकता है, दोनों मालिक को जो है इससे फ़ायदा भी पहुंच सकता है। इसके साथ साथ जो तरक्याती मनसूबे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो भी मुशतरका मनसूबे हैं वो अपने आपस में एतमाद के साथ जिनके बनाए जाएँ तावन किया जाए दूसरे के साथ। और जो ड्यूरेंट लाइन इशूज़ हैं अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1893 में बरतानवी राज और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के दरमियान एक मुआहदे के जरिए कायम की गई थी ताकि बरतानवी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद की हद बंदी की जा सके। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और अफगानिस्तान ने कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर ड्यूरेंट लाइन को बिन अक्वामी सरहद के तौर पर तस्लीम नहीं किया जिससे बड़े अरसे तक इससे हवाले से काफ़ी यानी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स रहे हैं। और इसमें जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर हम इसकी देखें तो ड्यूरेंट लाइन जो है एक स्ट्रेटजिक और नस्ली लिहाज से भी बड़ा एक बेहतर इलाके से गुजर रही है जो इलाका इस्लामती और सियासत की जो डायनेमिक्स है उसको मुतासर करता है। इसके साथ साथ जो इतने कॉन्सिडरेशन हैं यानी अफगानिस्तान और ड्यूरेंट लाइन को एक जो जायज़ सरहद है इसके तौर पर यानी कि वो कबूल करने से इनकार करता है। तो इसकी वजह से यानी कि काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं और पाकिस्तान का जो इसके अंदर मौकफ़ है वो पाकिस्तान के तहत के तारीखी मुआहदे बिन अक्वामी मल के तहत जो भी ड्यूरेंट लाइन है उसको उसकी यानी कि सरकारी सरहद है पाकिस्तान उसको समझता है और पाकिस्तान चाहता है कि इसको सरकारी सरहद के तौर पर तस्लीम भी किया जाए अफगानिस्तान की तरफ से। सो करंट इशूज़ एंड डिस्प्यूट्स रिकॉग्नाइजेशन है लेजिटिमेसी अफगानिस्तान। तो इसमें जो भी यानी कि अफगानिस्तान का मौकफ़ है वो ये है कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को एक जायज़ सरहद के तौर पर कबूल करने से इनकार करता है जो कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि यानी कि इसको ऑफिशियल बॉर्डर के तौर पर उसे तस्लीम किया जाए इसको बेच दी जाए। देन इसके रिलेशन के ऊपर जो है इम्पेक्ट अगर हम देखें तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो तनाजात के ऊपर सरहद सलामती है इंतजामों को मुतासर कर रही है। फिर क्या होता है कि जिससे जो दोनों ममालिक हैं उसकी सलामती और इंतजाम को भी मुतासर करता है। फिर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है यानी ड्यूरेंट लाइन की गैर जो हलचुद हसीियत है वो लोगों को जो है जो लोगों की भी मूवमेंट है या चीज़ों की मूवमेंट है उसको मुतासर करती है जिससे फिर सरहदी इलाके में मुआशी और समाजी मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है इसको एड्रेस करने का जो भी ड्यूरेंट लाइन के हवाले से इशू है तो इसमें जो है डायरेक्ट डिस्कशन की जाए बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएँ दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इस मसले को हल करने के लिए और एतमाद साजी को बढ़ाया जाए एतमाद साजी के इकदाम किए जाएँ दूसरे के ऊपर सरहद के साथ साथ जो कशीदगी उसको काम किया जाए एतमाद पैदा करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो इस मसले को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। देन यानी इसके अंदर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है यानी बैन अक्वामी जो सालसी हैं या तंजीमें हैं उनकी शमूलियत जो है वो इस तनाज़े को हल करने के लिए एक यानी कि गैर जानबदार जो है वो प्लेटफॉर्म भी दे सकती है न्यूट्रल प्लेटफॉर्म भी दे सकती है। इसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क्स हैं यानी बैन अक्वामी जो कानूनी फ्रेमवर्क हैं तारीखी मुआहदे हैं उनका जायजा लेना तनाज़े को हल करने के लिए ज़रूरी है तो एक बेहतर फ्रेमवर्क को जो है वो देता है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात के हल का जो तरीक़ाकार है वो सफारती रबते हैं। इसके साथ साथ बैन अक्वामी जो यानी कि इसके अंदर जो तरीक़ाकार है जो बैन अक्वामी तौर पर सालसी है और मुश्तरक इकदाम हैं वो भी इस तरह के इशू को एड्रेस कर सकते हैं। तो जो यानी कि ड्यूरेंट लाइन का मसला है इन तालुकात का एक अहम पहलू है जो सरहदी सलामती हो नस्ली हरकत हो इलाका इस्तेकाम इसको मुतासर करता है। तो एतमाद साज से मुज़ाकरात से बैन अक्वामी मदद से पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है रीजनल स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो और इस तरह के अगर इशू यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हल करने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो है वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो रूस की जनूबी एशिया में वापसी और अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक हुकूमत अमली थी वो क्या थी कि इन रीसेंट ईयर्स के अंदर जो आलमी ताकतें हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उनमें काफ़ी तब्दीली आई है यानी कि रूस और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें उन्होंने मुख्तलिफ खितों में अपनी जो भी हुकूमत अमलियाँ थी उनको नए सिरे से उनको तरतीब दिया। फिर इसके साथ साथ जो रूस का जो जनूबी एशिया के ऊपर दोबारा यानी कि तवज्जो उसने दी और अमेरिका के इंडो पैसिफिक हुकूमत जो अमलियाँ हैं और जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियों में काफ़ी बड़ा जो है वो फैक्टर है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया इसका अगर हम
हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो जो भी इसका पस मंजर है, यानी सात जंग के दौरान सोवियत यूनियन जनूबी एशिया में फाल तौर पर शामिल था, खासतौर पर भारत की फौजी इमदाद और मुआशी तावन के अंदर। देन पोस्ट सोवियत डिक्लाइन, यानी जो 1991 के अंदर सोवियत यूनियन के जवाल के बाद जो जनूबी एशिया में जो रूस का इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि यह खिता ज्यादातर मगरबी ताकत और चीन के जेर असर आ गया था, इसलिए जो है वो उनका असर कम हो गया था सोवियत यूनियन का। देन रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रेटजिक रीएंगेजमेंट, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, तो रूस ने जनूबी एशिया के ममालिक खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के साथ जो भी फौजी ताल्लुकात हैं उसको मजबूत किया, जिसमें यानी कि उसने असले के हवाले से यानी कि फरोख्त की, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, देन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, तो फिर रूस ने जनूबी एशिया में अपने सफारती इकदाम को बढ़ाया ताकि खित्ते की सलामती को मुआशी तरक्की में जो है अपना किरदार को बढ़ाया जा सके। देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रशिया सीकिंग टू बूस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस विद साउथ एशियन कंट्रीज थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो इस तरह से जो है रूस ने जनूबी एशिया में जो है अपने सफारती इकदाम हैं उनको बढ़ाया है ताकि खित्ते की सलामती को मुआशी तरक्की के अंदर अपना किरदार को बढ़ाया जा सके। तजारत और सरमायाकारी में उन्होंने बेहतरी यानी कि लाने की कोशिश की, रूस जनूबी एशिया के ममालिक के साथ तजारत के माहदे हों या तमनाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी के शोबे हों, इसमें सरमायाकारी के जरिए बड़े मुआशी जो तल्लुकात हैं उनको फ़रोग देने की कोशिश करता है। और इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर हैं यानी रूस के जो तवानाई मफादात हैं वो काफ़ी अहम हैं, जिसमें तेल है, गैस की तलाश है, इसमें भी तावन है, जोहरी तवानाई भी के अंदर भी तावन शामिल है। देन ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस, जो उसके मकासद क्या हैं और उसको किस हवाले से रूस को क्या मसाइल का सामना है, तो जो इसके अंदर जोग्राफी यानी कि लिहाज से असर और रसूख है, यानी रूस का मकसद जनूबी एशिया में जो है वो दोबारा अपने इन्फ्लुएंस को हासिल करना है, और अमेरिका और चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है इसका मुकाबला करना है। अब जो स्ट्रेटजिक यानी कि इसके अंदर पार्टनरशिप है, यानी जनूबी एशिया के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ शराकतदारी को मजबूत बनाकर रूस जो है वो अपने स्ट्रेटजिक और मुआशी जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाना चाहता है। अब इसमें जो उसको चैलेंजेस का सामना है, उसको चीन के साथ इस हवाले से कंपटीशन है, यानी रूस को चीन से जो है वो मुकाबले का सामना है, और जिसने फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी BRI जो चीन का एक बहुत बड़ा मुआशी प्रोग्राम है, उसने जनूबी एशिया में जो उसकी मजबूत मुआशी है, फौजी तल्लुकात है, इस हवाले से उसने कायम किए हैं। तो इसके अलावा जो रीजनल डायनेमिक्स हैं यानी जनूबी एशिया की जो भी पेचीदा सियासी डायनेमिक्स हैं, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी जो है और रूस के लिए बड़ा एक चैलेंज पेश करती है। अब जो यूनाइटेड स्टेट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या है कि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक हिकमत अमली है एक कम्प्रिहेंसिव यानी कि है और अप्रोच है, जो जिसका मकसद इंडो पैसिफिक खिता यानी जिसमें जनूबी एशिया है, जो इसके साथ साथ जनूब मशरकी एशिया है, पैसिफिक के जजीरे हैं, तो इसमें अपनी मौजूदगी को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल कैपेबिलिटी यानी एक आज़ाद, खुला और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक खिते को प्रमोट करना, इस बात को यकीनी बनाना कि कोई भी मुल्क जो है वो डोमिनेंट नहीं हो सकता, डोमिनेंस हासिल नहीं कर सकता, तमाम ममालिक को तजारत और सलामती तक रसाई हासिल हो। और चीन का जो यानी कि मुकाबला है, यानी खिते में चीन के जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, जहरियात है, उसका मुकाबला करना, खासतौर पर जनूबी चीन के समंदर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। अब इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट हैं वो है मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रेटजिक अलायंसेस, मिलिट्री डिप्लोमेट्स, स्ट्रेंथनिंग अलायंसेस एंड पार्टनरशिप विद कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया टू एनहेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंक्रीजिंग द US मिलिट्री प्रेजेंस थ्रू बेसिस जॉइंट एक्सरसाइज एंड नेवल ऑपरेशंस टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया जिस तरह के ममालिक हैं उनके साथ इतिहाद को, उनके साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना ताकि जो भी उसको इजमाई तौर पर सलामती है, जो उसकी भी दफाई सलाहियतें हैं उसको बेहतर बना सके। अब मिलिट्री जो यानी कि इसके अंदर इस्तेकाम है, यानी खित्ते के अंदर इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए जो अड्डे हैं या मुश्तरक मशकें हैं, इसके अलावा बहरी ऑपरेशंस हैं उनके जरिए अमरीकी फौजी की मौजूदगी में इजाफा उनका मकसद है। अब इकोनॉमिक इंगेजमेंट, इसमें यानी कि तजारती मुआहदे हैं, यानी कि इसमें मुआशी शराकतदारी है, इसको हासिल करने के लिए इंडो पैसिफिक खिते में अमरीका यानी जो कारोबारों के लिए मौके पैदा करना चाहता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, यानी ऐसे मंसूबे की हमायत करना जो रबते और मुआशी तरक्की को फरोग देते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, रीजनल डायलॉग्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, तो इसके जो इलाकाई चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए, इनके तावन के ऊपर जो भी इसके ऊपर इनसार करने वाले हल हैं उनको फरोग देने के लिए जो भी इलाकाई मुकाल में हैं, और इसके साथ साथ जो भी कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस हैं इनको फरोग दिया जा रहा है, इनको यानी अमेरिका जो है बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।
और इलाकाई इस्तेहकाम हो, इसके अलावा जो डिजास्टर यानी कि रिलीफ हो यानी कि लचक की हमायत के लिए इंसानी इमदाद हो, कुदरती आफात इनसे निमटने के लिए भी इमदाद फराहम करना जो है इसके यानी कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और इसके इम्प्लिकेशन और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जो भी यानी कि इसमें इंडोपेंस की हिकमत अमली है उसका मकसद जो है इस खत्ते में कि अमरीका अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, अपनी क्यादत को मजबूत करे जो तेजी से बदल भी रहा है। अब स्ट्रेटजिक बैलेंस है यानी चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसका मुकाबला करके अमेरिका इंडो पैसिफिक में ताकत के बैलेंस को बरकरार रखना चाहता है जो इस काम को शफाफियत को जो है फरोग देता है। अब इसमें जो चैलेंजेस हैं वो जियो पोलिटिकल राइवलरीज हैं यानी कि इस हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए जो जोग्राफी सियासी मफादात हैं इस हवाले से अमरीका को उनका सामना है जिसमें चीन का रद्द अमल है। इसके अलावा जो ओरिजिनल तौर पर डायनेमिक्स हैं, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी यानी कि खतरात हैं, मीन के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चैलेंजेस हैं। अलगाई तनाजात का इंतजाम हो या मौसी सलामती के खदशात हों इनको दूर करना ज़रूरी है इन तमाम अपने इकदाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमरीका के लिए। तो इस तरह से जो है वो रूस की जनरल जो भी एशिया के अंदर वापसी और अमरीका के इंडो पैसिफिक हिकमत अमली है वो आलमी जोग्राफी सियासत में तब्दीली को जाहिर कर रही है। सो जो बड़ी ताकतें हैं उनके बदलते हुए जो हिकमत अमली है उसको जो है वो उजागर कर रही है यानी कि रूस है। इसके अलावा इसमें यानी कि फौजी सफारती मौशी जराये के जरिए अपना इन्फ्लुएंस दोबारा कायम कर रहा है जबकि जो अमरीका है वो फोकस कर रहा है कि अपने इन्फ्लुएंस को कायम करे, अपने इस्तेहकाम को बरकरार रखे, इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के इन्फ्लुएंस को मुकाबला करे। और इस तरह से दोनों जो हिकमत अमली है उनसे आलमी सियासत की जो है तो पेचीदा जो भी कम्प्लेक्स एक पावर है या इन्फ्लुएंस है इलाकाई डायनेमिक्स हैं तो आपसी के तलुकात के ऊपर काफ़ी जिनके इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस तरह की चीज़ें। और इन तब्दीलियों को समझना जो है, इन डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, इनको समझना जो है जनूबी एशिया और बड़े सतह के ऊपर इंडो पैसिफिक खित्ते में जो बैन अवी तलुकात हैं उनके मुस्तबिल की हवाले से यानी कि इसको देखना ज़रूरी है, इसके ऊपर ये काफ़ी बसीरत रखता है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम इन द लाइट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी एंड व्हाई। तो जो इसके अंदर यानी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो सफारतकारी जो है मल्टी ट्रैक यानी डिप्लोमेसी जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मुख्तलिफ रास्तों या ट्रैक को यानी कि एडमिट करता है और इसके अलावा इसके जरिए यानी जो सफारती कोशिशें हैं उनको वो तनाजात को हल करने के लिए और कॉपरेशन को फ़रोग देने के लिए यानी कि ब्रुए कार लाए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो फिर इस जो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो अप्रोच है, इसमें हुकूमतें, इसके साथ साथ गैर सरकारी जो तंजीमें हैं, बिजनेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं और इसके साथ साथ जो यानी अफराद हैं वो शामिल होते हैं जो इसमें जो सफारती अमल है उनके ऊपर अपना अपना किरदार अदा करते हैं। इस फ्रेमवर्क को समझना अहम है ताकि ये यानी जाना जा सके कि मुख्तलिफ चैलेंजेस तनाजात के हल के लिए अमन के क्याम में कैसे हिस्सा डालते हैं। सो अगर हम डायग्राम देखें मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की तो इसमें जो है एक जो यानी कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है उसके खाके में मुख्तलिफ रास्तों को अलग लेकिन एक मजबूत रास्ते के तौर पर दिखाया जाता है। तो ये जाहिर करता है इलस्ट्रेटिंग हाउ वेरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड एक्टर्स कंट्रीब्यूट टू अचीविंग पीस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ईच ट्रैक इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड मेथड वर्किंग इन साइनर्जी टू अड्रेस कॉम्प्लेक्स इशूज यानी कि कैसे मुख्तलिफ सफारती कोशिशें तनाजात के हल के लिए अमन के क्याम में अपना किरदार अदा करते हैं। हर रास्ता जो है वो मुख्तलिफ जो फरीकैन है या तरीक़ाकार है इसके ऊपर मुश्तमिल होता है जो एक पेचीदा मसले को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब ट्रैक देखते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के अंदर, जो ट्रैक वन है वो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है और इसके अंदर एक्टर्स कौन से होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स होती है, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके अंदर। अब फोकस इसका क्या होता है, ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, मुआहदे और आला सतह के सफारतकारी। अब मेकनिज़म यानी दो तरफा और जो मल्टी यानी कि मल्टी लेटरल टॉक्स है और इसके अलावा जो इसके अंदर समिट है, मीटिंग्स एंड सफारती मुआहदे हैं और ट्रैक टू के अंदर जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर जो एक्टर्स इंक्लूड है वो नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं, एकेडेमिक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं और यानी कि इसके अलावा जो यानी बासर अफराद हैं। और फोकस क्या होता है, सरकारी सफारतकारी को तक मुकम्मल करने के तौर पर जो भी गैर रस्मी नॉन ट्रेडिशनल डायलॉग्स होते हैं, मसाइल के हल होते हैं यानी कि इनके ऊपर अमल और इसके अलावा जो मेकानिज्म होता है इसका यानी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस, इसके साथ साथ जो इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं
और जो ख्यालात को यानी कि एक जन्म देती हैं, जनरेट करती हैं, बाहमी समझ को फरोग देने के लिए तरतीब दी जाती हैं। अब ट्रैक 3 के अंदर ग्रास रूट डिप्लोमेसी आती है। इसके अंदर जो एक्टर शामिल होते हैं वो गैर सरकारी माहरीन होते हैं, या लोकल कम्युनिटीज होती हैं, सिविल सोसाइटीज होती है, इसके साथ साथ तंजीमें होती हैं, मकामी कारकुनान होते हैं। अब इनका जो फोकस होता है वो कम्युनिटी की सतह के ऊपर अमन कायम करना होता है, मकामी मसाइल को हल करना होता है। अब मैकेनिज्म इसके लिए जो बनाया जाता है वो कम्युनिटी की प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, मकामी अमन की कोशिशें होती हैं और वकालत की सरगर्मियाँ होती हैं। ट्रैक 4 के अंदर आता है बिजनेस डिप्लोमेसी, और इसके अंदर जो एक्टर्स शामिल होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, और इसके साथ साथ सनत के कायदीन होते हैं, मुआशी मफाद रखने वाले लोग होते हैं। और इसका फोकस क्या होता है, इक्तसादी तालुकात सरमायाकारी के जरिए इस्तेहकाम और तामन को फरोग देना। और मैकेनिज्म इसका इक्तसादी शराकत दारी, तजारती मुआहदे, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मंसूबे होते हैं इसके पास। अब ट्रैक 5 के अंदर आता है मीडिया डिप्लोमेसी, जिसमें एक्टर्स होते हैं जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, यानी सहाफी, मीडिया तंजीमें और जो भी कम्युनिकेशन के माहरीन होते हैं। अब इनका फोकस क्या होता है, अवामी राय को बनाना, फिर कॉन्सेप्ट को मुतासर करना, तस्वरात को मुतासर करना, सफारती कोशिशों की हमायत में मालूम को फैलाना। अब मैकेनिज्म इसका होता है मीडिया के, मीडिया कंपेन, पब्लिक रिलेशन और इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, यानी मालूम की तरसील। और ट्रैक 6 के अंदर आता है कल्चरल डिप्लोमेसी, इसके अंदर जो एक्टर्स शामिल होते हैं वो होते हैं सकाफती अदाकार, आर्टिस्ट यानी फनकार, सकाफती तबादले के प्रोग्राम। और फोकस क्या होता है, सकाफती तबादलों और कानून में कोऑपरेशन के जरिए समझ को एहतराम को प्रमोट करना। और मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं और सकाफती मेले होते हैं, तबादले के प्रोग्राम्स होते हैं, फनकारी के हवाले से जो भी मंसूबे होते हैं उसके अंदर तामन किया जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, इसकी यानी कि जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है, इसकी इम्पोर्टेंस अगर ये कम्प्लीट होती है तो इसमें जो मुख्तलिफ यानी कि रास्ते हैं वो मिलकर एक सफारती तरीक़ाकार को फरोग देते हैं, ताकि तनाजात के मुख्तलिफ पहलुओं को हल किया जा सके। अब जो गैर यानी कि सरकारी मुकालमात हैं, अवामी सतह के इकदाम भी होते हैं, सरकारी सफारती कोशिशें की भी तकमील करते हैं, तो इससे इसकी तासीर के अंदर इजाफा होता है। तो इसके अंदर जो यानी कि ब्रॉडर एंगेजमेंट है, जिसमें जो यानी कि मल्टी ट्रैक जो डिप्लोमेसी है, इसमें मुख्तलिफ किरदार शामिल होते हैं, तो इस बात को ये यकीनी बनाते हैं कि मुतअद्दिद जो चंद एक नुक्ते नज़र है या मफादात हैं उनको मद्देनजर रखा जाए, उनको कंसिडर किया जाए। फिर पार्टिसिपेशन है, यानी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जो शमूलियत है, इससे क्या होता है कि जो अमन की कोशिशें हैं और माहदे हैं इनकी बड़ी सतह के ऊपर हमायत होती है, उसका जवाब हासिल होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी यानी इनोवेशन है, तो मुख्तलिफ रास्ते जो हैं इसके अंदर यानी कि पैदा होते हैं, यानी हल को जो भी तख्लीकी मसाइल हैं इनको हल करने के लिए, तो जो सरकारी ज़राए से मुमकिन नहीं होते। फिर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो मल्टी ट्रैक अप्रोच है उसको, उसका जो एक कम्प्लेक्स और बदलते हुए मसाइल उनको हल करने के लिए जो है एक उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो इवॉल्व होने के इश्यूज को रिजॉल्व करने की। अब इसमें ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन सा ट्रैक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो ट्रैक 1 है वो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सरकारी जो सफारतकारी है वो हुकूमत की ताकत और इसकी इख्तियार के साथ आती है, और जो माहदे और माहदों की बाजाब शक्ल देने के लिए भी अहम होती है। देन इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंट डिसीजन मेड थ्रू ऑफिशियल चैनल्स आर लीगली बाइंडिंग एंड हैव द पावर टू शेप नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, तो सफार जो सरकारी चैलेंजेस हैं उनके जरिए फैसले कानूनी तौर पर पाबंद होते हैं और कौमी बिन अकवामी पॉलिसी की तश्कील देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब रीज़न क्या है इसके इम्पोर्टेंस होने की, जिसमें यानी फार्मल एग्रीमेंट यानी सरकारी जो सफारतकारी के तनाजात को हल करना, तावन के फ्रेमवर्क को कायम करने के लिए बाज़ाब्ता मुआहदे तय करना ज़रूरी है। फिर इस तरह से ये जो है मुआहदे को सरकारी हैसियत और तौसीक भी देती है, उनके नफाज और इतलाक के लिए भी अहम है। तो ये जो ट्रैक 1 है ये बहुत अहम है, लेकिन ये तस्लीम करना ज़रूरी भी है कि कोई भी रास्ता तनहा काम नहीं करता, हर रास्ता स्वार्थ अमल में एक मुनफरद यानी कि हैसियत रखता है, उसका मुनफरद हिस्सा होता है। तो ट्रैक 4 जो है वो इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए इक्तसादी मौके का इस्तेमाल करता है। ट्रैक 5 में अवामी राय को मुतासर किया जाता है, सफारती कोशिशों की हिमायत पैदा करता है। ट्रैक 6 के अंदर सकाफती तबादले के जरिए हमने देखा कि किस तरह से सकाफती तबादले की समझ बूझ को तावन को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो भी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है वो तनाजात को हल करने के लिए, तावन को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ किरदार हों, तरीके हों, उनको शामिल करने का एक यानी कि फ्रेमवर्क देती है। और अगर जजेज सफारती ट्रैक 1 है ये मर्दों को बाज़ाब्ता शक्ल देने के लिए भी
یعنی کہ اس شکل دیتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ضروری بھی ہے اور اس کے باقی جو راستے ہیں اس عمل کو مکمل کرتے ہیں سفارتی عمل کو مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا بھی کرتے ہیں. So understanding and utilizing all tracks effectively can lead to more successful and sustainable outcomes in conflict resolutions and international relations. تمام راستوں کو مؤثر طریقے سے سمجھنا استعمال کرنا تنازعات کے حل کے لیے بین الاقوامی ریلیشنز میں کامیابی اور پائیداری کے لیے بہت اہم ہے.